हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 के स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दीजिए। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आजकल मैं प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा रहा हूँ। प्रॉपर्टी का मैं दो क्लास आपको लिया हूँ। एक क्लास आपको लिए है जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी और इसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताया हूँ। सेकेंड क्लास लिए थे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी और आपका ये आज ले रहा हूँ थर्ड क्लास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यह आपका रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4 पर आप ध्यान देना है कि यह प्रॉपर्टी क्या कह रहा है। इसमें हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के बारे में देखेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट एडिशन है। एडिशन में क्या कह रहा है, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, यह होता है। मतलब आप समझिए, a से जब b में मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी होता है, अब फिर a से जब c में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी होगा, बीच में प्लस है तो प्लस ही रहेगा और इसके पहले भी प्लस है। साइन पर मैथ में खास करके ध्यान दिया जाता है, प्लस अब प्लस, प्लस हुआ प्लस अब प्लस, प्लस हुआ ए बी हो गया ये और ये ए सी हो गया। नेक्स्ट आपको एग्जांपल के तौर पर मैं दिखा रहा हूं कि a इक्वल टू जैसे 1/2 ले लीजिए, b इक्वल टू 3/5 और c इक्वल टू 2/7। तो देख रहा हूं कि a का वैल्यू b का वैल्यू c का ले लिया, ये आपका LHS है यहां से यहां तक और ये RHS है। अगर LHS और RHS इक्वल हो जाए तो समझिए कि इसका मतलब कि ये फॉर्मूला जो भी है ये राइट है। तो a इंटू बी प्लस सी, ए के जगह पर 1/2, बी के जगह पर 3/5 प्लस और सी के जगह पर 2/7। 1/2 है तो 1/2 रह जाएगा, 3 और 5 का पहले फर्स्ट काम ब्रैकेट का होता है, यह हमेशा आप लोग को याद करके रखना है। 3 और 7 का एलसीएम 35, 5 के टेबल में 35, 7 बार में, 7 का टेबल से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 21, यह प्लस हो गया। 7 के टेबल में 35 आपका है 5 बार में, 5 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 10 हो जाएगा। यह ब्रैकेट का वर्क पहले कर रहे हैं, 21 में 10 प्लस करेंगे तो 31 होगा, बाई में 35 है 35 लिख देंगे। अब बीच में यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह दे दिए है, 1 में 31 से मल्टीप्लाई करेंगे 31 और 2 में 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 70, यानी LHS आपका आ गया 31/70। नेक्स्ट RHS AB प्लस AC, AB प्लस AC लिख दिए, A के जगह पर 1/2, B के जगह पर आपका 3/5 है, बीच में प्लस है प्लस, A के जगह पर 1/2, C के जगह पर आपका 2/7 रख देंगे सेम, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे 10, बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह, 1 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 2, 2 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे 40, 10 और 14 का एलसीएम निकालेंगे तो 70 होगा। आप देख लीजिए 10 और 14 का निकाला हूं तो 2 से जाएगा 5 बार में, 2 से 7 बार में अब नहीं जाएगा, 2 का टेबल 5 बार आपका 10 हो गया और 10 का टेबल 7 बार 70 हो गया। मैं 70 लिख दिया हूं, आप लोगों को मालूम है इससे पहले भाग देंगे यानी 10 से 70 में भाग देंगे, डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 7 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे 21, बीच में प्लस है प्लस का चिन्ह, 14 के टेबल में 70 आपका 5 बार में आएगा और 5 का टेबल 2 बार पढ़ देंगे 10 हो जाएगा, ये दोनों प्लस में है, 21 और प्लस 10 31 हो जाएगा, बाई में 70 है तो 70, यानी LHS RHS के इक्वल हो गया। इट मींस कि ये फॉर्मूला लिख सकते हैं कि a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, यह हो गया। ये एडिशन के केस में ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब इसी में आपको सब्ट्रैक्शन के केस में दिखा रहे हैं। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाओ। जैसे आपको दिया हुआ है a इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, देखिए ये कैसे हो रहा है। a में आपको b से मल्टीप्लाई किए तो ए बी, इसके पहले भी प्लस और इसके पहले भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, यहां प्लस है यहां माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और a से c में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी हो गया। यानी a इक्वल टू एग्जाम्पल के तौर पर मान लेंगे 1/2, b इक्वल टू 3/5 और c इक्वल टू 2/7। फिर लिख लेंगे लेफ्ट साइड को a इंटू बी माइनस सी इक्वल टू 1/2, ये
आपका बाहर साइड में है यानी कि कॉमन के रूप में है, लिख लेंगे बी की जगह पर 3/5 और सी की जगह पर 2/7। 1/2 है तो 1/2 रहेगा, 5 का 7 का एलसीएम 35, 5 का टेबल में 35 आपका 7 बार में और 7 का टेबल 3/21, बीच में माइनस है माइनस का चीज, 7 का टेबल में 35 आपका है 5 बार में और 5 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 10। इस प्रकार 21 में से 10 घट गया 11, बाई में 35 है तो 35 लिख देंगे। 1 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11, अब 2 में 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70, सेम रह जाएगा। नेक्स्ट आपका आरएचएस आप देखिए, ए बी माइनस ए सी, तो ए के जगह पर 1/2 है रख देंगे और बी के जगह पर 3/5 माइनस, फिर ए की जगह पर 1/2 और सी की जगह पर 2/7। 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 में 5 से करेंगे 10, माइनस का चिन्ह, 1 में 2 से करेंगे 2 और 2 में 7 से करेंगे 14। 10 का 14 का एलसीएम 70 होगा, 10 का टेबल में 70 आपका 7 बार में है और 7 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे 21 माइनस, 14 का टेबल में 70 आपका 5 बार में है, 5 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 10/70। इस प्रकार 21 - 10 = 11/70। देख रहा हूँ कि एलएचएस भी मेरा 11/70 आया, आरएचएस भी आपका आया 11/70। इस प्रकार क्या हो गया, ए इंटू बी माइनस सी, देख रहा हूँ इस प्रकार के ए इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, यानी ये राइट है, लेफ्ट साइड भी ये मेरा आया 11/70 और राइट साइड भी आया 11/70, यानी कि इस प्रकार ये फॉर्मूला राइट है। ये सब्ट्रैक्शन के केस में मैं बताया हूँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, अब इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। अब आप लोग को देखना है प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 में कह रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, जिसका दूसरा नाम है एडिटिव प्रॉपर्टी, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे a प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस a इक्वल टू a ही होता है, यानी कि दुनिया के कोई भी डिजिट में अगर जीरो जोड़ेंगे तो जीरो हट जाएगा और जो डिजिट है वही लिखाएगा, यानी कि 1/2 प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस 1/2 इक्वल टू 1/2 ही होगा, ये जीरो आपका हट जाएगा। ध्यान दीजिए 2/7 अगर इसमें जीरो कर रहा है प्लस, तो ये 2/7 यानी कि 2/7 में अगर जीरो प्लस किए तो 2/7 ही होगा। 9/5 में जीरो प्लस करेंगे तो जीरो ही होगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक ले लीजिए एग्जाम्पल, 9/5 प्लस जीरो इक्वल टू कैसे आएगा 9/5, तो मान लेते हैं इसके बटा में 1 है, 1 और 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, 5 के टेबल में 5 1 बार में और 1 का टेबल 9 बार तो 9 प्लस 1 का टेबल में 5 5 बार में है और 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 होगा और बाई में 5 है तो 5 हुआ, यानी कि 9/5 प्लस 0 इक्वल टू क्या होगा 9/5 ही होगा। ये ध्यान रखना है आप लोग को, इसको कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में एक जीरो जरूर रहेगा और जो डिजिट रहता है वही आंसर लिख देते हैं और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका जो जीरो रहता है यानी कि जीरो को हटा देंगे और जीरो के बगल में जो डिजिट रहेगा प्लस में वही वाला सेम उतार देंगे तो प्रॉपर्टी ऑफ क्या हो जाएगा जीरो ही होगा। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर प्रॉपर्टी ऑफ 1, जिसका दूसरा नाम है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ये भी कह सकते हैं। तो a इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू a इक्वल टू a ही होगा, इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया का कोई भी डिजिट हो अगर उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही डिजिट सेम होता है, चेंजिंग नहीं होती है। जैसे आप 5 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए चाहे 1 में 5 से कीजिए, आंसर आपका 5 ही होगा। 6 में 1 से कीजिए चाहे 1 में 6 से कीजिए, आपका आंसर 6 ही होगा। अब आपको 7 नंबर देखना है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स या इसको निगेटिव ऑफ ए नंबर कह सकते हैं। जैसे a यहाँ प्लस में है, अगर इसका उल्टा होता है माइनस से और उसको भी प्लस करेंगे या माइनस a को पहले लिखेंगे और माइनस a का उल्टा यानी अपोजिट प्लस a होता है, तो दोनों कंडीशन में ये दोनों को जब प्लस करेंगे तो आएगा जीरो। मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जैसे कोई कह दिया 8 और प्लस माइनस 8, या प्लस में है इसके उल्टा हुआ माइनस 8
देखिए एट का एट हुआ और प्लस माइनस माइनस एट हुआ, और एट में से एट गया तो क्या हुआ आपका जीरो। देख लिए पहले से यह है माइनस एट नाइन, आप प्लस करेंगे नाइन से, इसके उल्टा होगा नाइन, तो माइनस नाइन और नाइन प्लस कर देंगे आपका आ जाएगा जीरो, यानी कि ये एडिटिव इन्वर्स कहलाता है, उसका उल्टा प्लस करना पड़ता है। नेक्स्ट आपका लास्ट है प्रॉपर्टी नंबर एट। अब आपको एट नंबर देखना है, मल्टीप्लीकेटिंग इन्वर्स और रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर, यानी कि जो भी डिजिट है उसका उल्टा होगा यानी कि अपोजिट होगा। जैसे कि आप फॉर्मूला देख लीजिए, a इंटू वन बाई ए इक्वल टू वन बाई ए इंटू ए इक्वल टू वन होता है। कैसे होता है मैं एक एग्जाम्पल देकर के आपको दे रहा हूँ, यानी कि ले लीजिए नाइन इंटू वन बाई नाइन इक्वल टू वन बाई नाइन इंटू नाइन इक्वल टू वन होगा। ये नाइन से नाइन आपका कैंसिल हो गया तो वन आ गया, या ये नाइन से नाइन कैंसिल हो गया तो वन हो गया, और वन में वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ही होगा, और वन में वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ही होगा। और एक एग्जाम्पल ले लीजिए, सिक्स इंटू वन बाई सिक्स इक्वल टू वन बाई सिक्स इंटू सिक्स, तो आपका देखिए ये कट गया वन बार में, इससे ये कट गया वन बार में, आ गया आपका वन। इस प्रकार आपका रूल नंबर एट तक आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको सेल्फ प्रैक्टिस 1D पढ़ाएंगे। थैंक यू।